देखो घंटे में 1 यूनिट लगभग की 10 रुपए का लाइट लेगा, और जैसा आपने बोला शुरुआत में कम से कम 500 केजी 5 कुंटल चावल निकाल के देगा। एक यूनिट में कम से कम मिनिमम आप 3.5 से 4 कुंटल आटे की पिसाई इससे कर सकते हैं। अच्छा, ये 3 HP का मोटर लगा। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवध लाइव खेती में। किसानों को लेकर के आया गया हूं राइस मिल की कंपनी में, राइस मिल की फैक्ट्री में। किसान भाइयों ने अपने धान को लगा लिए होंगे और अभी जब धान की कटाई होगी उसके बाद उन्हें चावल निकालने के लिए एक बेहतरीन राइस मिल की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कम बिजली की जो है खपत हो और प्रोडक्शन ज्यादा निकल के आए। तो किसान भाइयों के लिए हम ले करके आए मात्र 10 रुपए में 500 केजी चावल निकाल के देने वाली राइस मिल। ये कैसे निकालते हैं सारी जानकारी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। 10 रुपए जो है बहुत कोई बड़ी बात नहीं होती है, अगर 500 किलो जो है निकाल देता है, ये जो है चावल निकाल देता है। हमारे साथ में ओमकार जी हैं, ओमकार जी से इनका एक छोटा सा परिचय जानेंगे। नमस्कार ओमकार जी। नमस्कार सर, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया सर, आप कैसे हैं? एकदम बहुत बढ़िया सर। ये जो मशीन अभी हम कह रहे हैं 500 केजी जो निकालती है चावल को, कैसे निकाल देती है? हमें विश्वास नहीं है सर। देखो बिल्कुल 500 केजी निकालेगी एक घंटे में। अच्छा हाँ। और 10 रुपए में? 10 रुपए में निकालेगी एक यूनिट में। एक यूनिट लाइट लेगी। अच्छा, एक यूनिट में आपको कम से कम 500 केजी चावल निकाल के देगी। अच्छा सर, जानकारी शुरू करने पहले अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए किसानों को। नमस्कार किसान भाइयों, मैं ओमकार सिंह, लवली एग्रो इंडस्ट्री मिसौली डिस्ट्रिक्ट बदायूं उत्तर प्रदेश से। ये मेरी धर्मपत्नी लवली कश्यप। हम दोनों आपको ऐसे दो मशीन लेकर आए हैं जो हर घर में जरूरत होती है, हर घर में यूज होते हैं, चावल निकालने का, आटा बनाने का, आटा बनाने का, मसाला पीसने का, मसाला पीसने का। मतलब किसान भाई जो हैं चावल तो निकाल ही सकते हैं, मसाला भी पीस सकते हैं, आटा भी पीस सकते हैं, मसाले का व्यापार शुरू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। जैसे मतलब महिलाएं हैं घर में बैठी हैं, अगर वो भी अपना व्यवसाय करना चाहती हैं तो साथ में वो भी व्यवसाय कर सकती हैं। इसीलिए मैं आपको 2-in-1 आटा चक्की मसाला ग्राइंडर, राइस मिल आटा चक्की मसाला ग्राइंडर, ये ऐसी कॉमन मशीन है, ये दोनों लेकर आया हूँ किसान भाइयों के लिए। बजट में भी फिट, काम भी हिट। तो सबसे पहले कैमरामैन से बोलेंगे इस वाली मशीन पे फोकस करेंगे, ये जो मशीन दिख पा रही है क्या क्या काम कर देती है? ये देखो अपना जो मसाले, किसी भी तरीके का आपको मसाला पीसना है मसाला पीसिए, दलिया बनाना दलिया बनाइए, आटा पीसना है आटा पीसिए। इसमें जो इसका जो चैम्बर है इसमें जालियां लगी होती हैं। अच्छा, वो जालियां आपको चेंज करनी रहेगी। अच्छा, इसके अंदर जो चैम्बर लगा हुआ है, इसमें जो है चैम्बर लगा हुआ है उसमें जालियां लगी रहती हैं, आप ये देखिए। अच्छा, इसके जी पत्थर वाली जालियां नहीं है ये? नहीं नहीं, स्टेनलेस स्टील की जालियां है जी ये, आप देखेंगे ये वाली। बिल्कुल बिल्कुल, आप ब्लेड देखिए कितने हैवी ब्लेड लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो है जालियां जो है इसके अंदर वो भी सही है, और ब्लेड जो है हैमर वाले ब्लेड, हैमर वाले ब्लेड यहाँ पर भी आप देखिए हैमर लगा हुआ है ये। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब सारी चीज में जो है हैमर ब्लेड लगा दी है, कंकड़ पत्थर जो है मुंह में नहीं जाने वाला है। बिल्कुल मुंह में नहीं जाने वाला, ऐसा मतलब अच्छा बना देगा उसको। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये अगर मसाला पीसती है तो तब तो प्रोडक्शन कम हो जाता होगा मसाले के लिए? नहीं नहीं, हाँ मसाले के लिए प्रोडक्शन, मसाले के लिए कम होता होगा, मसाले के लिए कम होता है क्योंकि मसाले में हैमर का ज्यादा यूज। बिल्कुल बिल्कुल, कितने HP का मोटर लगाया है इसमें? मोटर कौन सा लगाया है, चाइना वाला? इसमें नहीं, चाइना नहीं है, इंडियन मेड मोटर है, और ये 3 HP का मोटर लगा हुआ है। अच्छा, 3 HP का मोटर जो है इसके अंदर में लगा हुआ है, इसलिए आपने लगा दिया है कि कोई दिक्कत जो है किसान भाइयों को नहीं मिले, ना मिले। कॉपर बाइंडिंग मोटर है या वैसे ही मोटर है? ये कॉपर बाइंडिंग मोटर है, फुल सेफ्टी के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे ये बेल्ट दिया है, कंप्लीट कवर दिया है। अच्छा, कोई मतलब आपको हाथ जाए कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होने वाली। ये कंप्लीट आपको 3 HP का मोटर है, यहाँ पर ये अलार्म दिया है इसका, ये स्टार्टर MCB वगैरह MCB दे दी गई यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया, नहीं तो वगैरह पे यहाँ पे ये कवर कर दिया कि कटने पिटने की दिक्कत है, कॉम्पैक्ट बना दी मशीन को। इसे पल्वराइजर भी बोल ये सकते हैं। पल्वराइजर एक्चुअल में होता है मल्टी पल्वराइजर। अच्छा, मल्टी पल्वराइजर होता है, तो फिर अलग से कनेक्शन लेना पड़ेगा? नहीं, घरेलू वाट पे चल जाएगा, घरेलू बिजली पे, मतलब कॉमर्शियल कनेक्शन की भी जरूरत खत्म हो गई किसान भाइयों के लिए। किसान भाइयों के लिए एक यूनिट में कम से कम मिनिमम आप 3.5 से 4 कुंटल आटे की पिसाई इससे कर सकते हैं। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, अगर चावल वाली पे चलते हैं हम, जो चावल वाली अभी हम देख पा रहे हैं, ये जो है घंटे के अंदर में कितने रुपए की बिजली खाएगी,
कितना जो है आउटपुट निकाल के देगी? देखो घंटे में एक यूनिट लगभग की 10 रुपए का लाइट लेगा, और जैसा आपने बोला शुरुआत में कम से कम 500 केजी 5 क्विंटल चावल निकाल के देगा। इस मशीन की खास बात यह है कि चावल इसमें टूटता नहीं है, सेलिंग का जो काम होता है, थ्रेसिंग का जो काम होता है ना, ये कॉमन करता है, इसमें बेल्टें लगी होती है। अच्छा, इसमें बेल्टें लगी हुई है। अच्छा, तो उससे चावल टूटता नहीं, चावल टूटता नहीं है। बिल्कुल, यहाँ से क्या होता है, दाब वगैरह लगाते हैं। हाँ, यहाँ से मतलब कितना आपको छीलना चावल को, उस तरीके से आप मोड चेंज करते जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अगर बात करें इसके मोटर की, मोटर किस क्वालिटी के दिया है, कितने एचपी का मोटर लगा? देखो इंडियन मोटर है, इसमें भी 3 एचपी का मोटर है कॉपर वाइंडिंग का। अच्छा, कंप्लीट ओरिजिनल। अच्छा, ऐसा नहीं है, अगर आपको चेक करना तो यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। नहीं नहीं, जैसे अगर बात करें घरेलू बिजली पे चलेगा या घरेलू बिजली पे, सिंगल फेज मोटर होते हैं सब, ये दोनों ट्विन बन जो है ना घरेलू लाइट पे चलेगा। तो इसमें लाइव डेमो दिखाएंगे करके? बिल्कुल लाइव डेमो दिखाऊंगा। अच्छा, चावल वगैरह निकाल के दिखाएंगे? चावल आपको क्यों निकाल के दिखाऊंगा, मसाला पीस के दिखाऊंगा। मसाला भी पीस के दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा सर, अगर इसके साथ जो ये आटा वाला भी दिया गया, मसाला वाला भी दिया गया, किस टाइप का? इस तरीके की तो ये जालियां आती है, मैं आपको जालियां दिखा देता हूँ। अच्छा, ये सब जालियां, आपको बेसन बनाना है, आटा बनाना है, दलिया बनाना है, हर तरीके मसाला पीसना है, हर तरीके की इसमें जाली है वो चेंज होती रहती है। अच्छा ठीक है, ये जो आप हॉफर देख रहे हैं गेहूँ डालने का इसमें है, मसाला अगर आप बनाना है तो आप ये वाला हॉफर है। अच्छा, इसमें कॉम अलग अलग, मतलब जो ग्राइंडर है ना वो एक है, हॉफर दोनों के अलग अलग। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर में हैमर वगैरह दिया होगा, यहाँ से पूरा अंदर में दिया। लोहे वाले हैं या दांत वाले हैं? ये दांत वाले ही हैं। अच्छा, दांत वाले ही हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छा, ये आटे का प्रोडक्शन, ये वाली मशीन, ये आटे का प्रोडक्शन लगभग की 2.5 से 3 क्विंटल के आसपास जाने वाला है। 2.5 से 3 क्विंटल जो है 10 रुपए में मात्र, 10 रुपए में। मतलब किसी भी प्रकार की किसानों को दिक्कत नहीं होने वाली है, एम्प्लॉइज को। घर में लेडीज जो बैठी है ना, वो भी व्यवसाय, मेरी माता है मैंने जो बैठी है घर में, आराम से कर सकती हैं। किसी को भी अपना व्यवसाय करना है, जो अपना गांव में परचून का दुकान, जनरल स्टोर लगा के बैठे हैं, आप ये साइड में लगा सकते हैं, अपना अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। अच्छा एक चीज बताओ साहब, ये जालियां सारी दोगे या इसका पैसा लोगे? नहीं, सारी जालियां इसके साथ, इसके साथ ही दे दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो इन मशीनों पे कुछ वारंटी गारंटी देते हैं, बस ऐसे ही होता है? एक साल की कंप्लीट होती है, एक साल की कंप्लीट गारंटी विथ मोटर। अच्छा सर, अगर बात कर लेते हैं प्राइस की, तो क्या जो है ऑफर देंगे, क्या प्राइस देने वाले हैं इसकी? देखिए ये जो है राइस मिल वाला, ये 35,000 का, 45,000 ठीक है। ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये 35,000 की है, 35,000 की है। इस पे क्या डिस्काउंट देंगे, इस पे क्या डिस्काउंट देंगे? देखिए इसमें अगर आपको बात करेंगे तो 2,000 रुपए का डिस्काउंट होने वाला है, ठीक है। इसमें भी 2,000 रुपए का डिस्काउंट होने वाला, यानी 45 वाली 43 की पड़ जाएगी और 35 वाली 33 की पड़ जाएगी, 2,000 का डिस्काउंट। 2,000 अलग से कोई डिलीवरी चार्ज तो नहीं लगेगा? कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है, मात्र 5,000 रुपए बुकिंग अमाउंट है, बाकी का पैसा किसान भाई को अपने घर पे देना है जब मशीन मिल जाएगा तो। अच्छा ठीक है, मान लीजिए युवा देख रहे हैं, किसान देख रहे हैं, अगर महिला खरीदती हैं, उनको स्पेशल डिस्काउंट क्या मिलने वाला है, महिलाओं के लिए हम बात कर रहे हैं? उसके लिए मैं इनको हैंड ओवर करता हूँ, धर्मपत्नी जी आपको बता देंगे। आप तो ऐसा नहीं, मैम देखिए हमने तो अभी बात किया सर से किसानों के लिए, हम जैसे युवा के लिए, लेकिन महिलाओं को क्या डिस्काउंट देने वाली है मैम, कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा भाई। वैसे तो ये डिस्काउंट कर चुके हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई महिला खरीदती है, महिला किसान बुक करवाती है, तो उसे 1,000 का डिस्काउंट और मिलने वाला, 45 वाली 42,000 और ये 32,000 में, ये 32 में हो जाए, 1,000 के लिए महिलाओं के लिए स्पेशल डिस्काउंट इन्होंने जो माता है मैंने है, हाँ, उनके लिए दिया वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा किसान भाई इन मशीनों को कैसे बुक करके इजीली और आसानी से मंगवा सकता है? बुकिंग के लिए मेरा जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप उस पर कॉल कीजिए, घर बैठे इन मशीनों को आराम से मंगा सकते हैं। 5,000 रुपए बुकिंग अमाउंट है, बाकी का पेमेंट जो है आपको घर पर दे। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो आपने जानकारी दी काफी अच्छी, काफी बेहतरीन रही, इसके लिए मेरी व्यूअर की तरफ से, मेरे फार्मर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान वो आज की जो वीडियो दिखा रहे थे, वो दिखा रहे थे पल्वलाइजर की, धान निकालने की मशीन, आटा पीसने की मशीन, प्लस मसाला बनाने की मशीन है दोस्तों। अपना व्यापार खड़ा कर सकते हैं पैकिंग करके दोस्तों, तो देरी नहीं करना है, डिस्प्ले वाले नंबर पे, जो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है उस पे कॉल करिए, जो हमसे जानकारी छूट रही है वो जानकारी लेके इन मशीनों को आप खरीद सकते हैं बहुत ही आसानी से। महिलाओं के लिए स्पेशल 1,000 का डिस्काउंट दिया गया है दोस्तों, और अगर जेंट्स की बात करें, किसानों की बात करें, उनके लिए 2,000 मैंने पहले करवा दिया था डिस्काउंट, तो खरीदना चाहते तो खरीद सकते हैं, व्यापार शुरू कर सकते हैं। और किसानों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि भैया गर्मी होती है और हम आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो किसान मैं दोबारा से मिलूंगा फिर से इसी तरह के यूनिक और नई वीडियो के साथ, लवली एग्रो इंडस्ट्री से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।